ये मौसूफ कामरान है कौन? ये हमें मिस आशी सांबा बताएंगी और हमें गाइड भी करेंगी क्योंकि हम हमारे यूनिवर्सिटी के इस प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर भी हैं। बिल्कुल, मैं इसको बताते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कामरान की बारादरी शहजादा कामरान ने बनवाई थी और शहजादा कामरान शहनशाह हुमायूं का भाई और बाबर बादशाह का बेटा था और उस वक्त वो पंजाब का हाकिम था। हाय, वैसे सच्ची बड़ा ही रोमांटिक सा आइडिया है, दरिया के दरमियान से बिल्कुल फिल्मी सा अंदाज लगता है, मुझे तो बड़ा पसंद आया है। ये बारादरी दरिया के दरमियान नहीं बनाई गई थी बल्कि दरिया खुद इसके दरमियान आ गया था। उफ, दरिया ने भी कसना छोड़ी, जालिम समाज की तरह दरमियान में आ गया। क्या मतलब, दरिया कैसे दरमियान आ गया? जब दरिया बहता है तो अपने साथ किनारे भी काटता है और बहाव का रुख भी मोड़ता है। कुछ इसी तरह से यहाँ पे भी हुआ है। शहजादा कामरान जो के पंजाब का हाकिम था, उसने यहाँ पर बहुत बड़ा बाग तमीर करवाया था और ये इसी का हिस्सा है। देख लो सब की कारकर्दगी को, ये आज भी कारण दरिया सब कुछ भी बिगाड़ना। दरियाए रावी ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। यहाँ पर महलात, दीवाने खास, दीवाने आम थे जिसका जिक्र दारुशुकर ने अपनी किताब से किनाज़ुल औलिया में किया है और यहाँ पर बहुत खूबसूरत तालाब था और जावजा फवारे भी थे और यहाँ पर हज़रत मियां मीर क़याम के लिए आते थे। तो ये है वो खूबसूरत इमारत। बस अरे अपनी अकल भी इस्तेमाल करो, दरिया ने बाकी सारी इमारतें ख़त्म कर दी, सिर्फ ये ही इमारत बची है, क्यों साशी? ठीक कहा जुनैरा, दरिया ने इस इमारत और बाग को बहुत नुकसान पहुंचाया है बल्कि सफा हस्ती से ही इसको मिटा दिया है। बस यही एक इमारत बची है जो कि अपनी बर्बादी की दास्तान सुना रही है। बर्बादी की दास्तान? वाह, किसी ड्रामे या फिल्म का नाम लगता है। आयजा, तुम्हें तो हमेशा ड्रामे या फिल्म की ही सोचती है। Thank you.
डर है अरूज तो एक दिन जवाल भी होगा, वक्त की बेसबाती के हाथों एक दिन ये हार भी होगा। वाह क्या बात है, छप्पर फाड़ के बोले। वैसे बारादरी का मतलब क्या है? हाँ हाँ ये तो बताएं कि आखिर वो बारादरिया कहाँ दिखती थी। बारा मतलब बारा और दर मैनी दरवाजा, यानी बारह दरवाजे। तो ये हैं बारह दरवाजे, क्या एक दो दरवाजे काफी नहीं थे, या फिर हर फर्द के लिए अपना अपना दरवाजा था? ये जिस अंदाज से बनाई गई थी उसको बारह दरवाजे ही कहते हैं। अच्छा तो मैम इसकी थोड़ी सी तारीख ही बता दें, कब बनी और क्यों बनी। तारीखी हवालों से पता चलता है कि अहदे हमायूं में बाबर बादशाह के बेटे और हमायूं के भाई कमरन मिर्ज़ा ने इसको तामीर करवाया, और ये तकरीबन लाहौर की पहली मुग़ल तामीर थी जो कि 1540 में तामीर हुई, और उस वक्त दरियाए रावी किले के साथ साथ बहता था, और 150 साल पहले सिखों के अहदे हुकूमत में दरियाए रावी ने अपना रुख बदला और ये बाग उसमें ब्रुद हो गया, और फक्त ये इमारत ही बची है। वाह पंजाब के हाकिम की क्या बात है, जाते जाते निशानी छोड़ जाते हैं। वैसे ये बनाई क्यों थी? शायद उस वक्त किला लाहौर की हालत अच्छी ना थी और इसको अकबर बादशाह ने असर नौ तामीर करवाया था। ओहो किसका कौन कौन किसका कौन किसका बेटा था? बाबर मुगलों के बानी बादशाह, इसके चार बेटे मिर्जा हमायूं, मिर्जा कामरान, मिर्जा अक्सरी, मिर्जा हिंदाल, इसके चार बेटे थे, और इसने अपने बेटों में ये सल्तनत बांट दी थी ताकि वो सल्तनत की आपसी लड़ाई में ना पड़े, लेकिन इसके बावजूद इनमें ठनी ही रहती थी। वो क्यों? जाहिर सी बात है सल्तनत के लिए, यानी हाकिम बनने के लिए हमेशा से लड़ाई झगड़े इन रहे हैं, बस अब अंदाज बदल गया है। ठीक कहा, हमायूं इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर था लेकिन किसी को इस पे एतमाद नहीं था। एतमाद एक बहुत बड़ी चीज है, एक बार टूट जाए तो दोबारा किसी पे नहीं रहता। वाह कितना अच्छा लगता होगा जब यहाँ शहजादे और शहजादियाँ घूमते होंगे, बागात होंगे, महलात होंगे, फवारे भी होते होंगे, बिल्कुल फिल्मी अंदाज लगता है। इमारत से मुतल्लिक कोई अहम वाकया, कोई कहानी जो वाबस्ता हो? बिल्कुल है, जब शेरशाह सूरी ने सल्तनत मुगलिया से बगावत की तो हमायूं ने अपने तीनों भाइयों को इकट्ठा किया और एक एग्रीमेंट यानी कि अहदनामा लिखा, और शेरशाह सूरी के खिलाफ एक दूसरे की वो मदद करेंगे, लेकिन हमले के डर से वो भाग गए। और इसके अलावा शहनशाह जहांगीर जब भी कश्मीर से यहाँ गुजरता था तो उसका पड़ाव यही जगह होती थी। शेरशाह सूरी ने भी तो मुगलों के मुंह से नवाला छीना था, उसका तो रोबोट दबदबा ही ऐसा था। हाय
सुभान अल्लाह, डर भी क्या चीज़ है, अखरोट को हथौड़ा मारो वो भी भाग निकले। ये तो बताएं कि जब हुकूमत मुगलों के हाथ से निकली तो बहुत सारी अमारात के इस्तेमाल का मकसद बदल दिया गया था, इस बारा दरी का क्या बना? हाँ सुनैरा, तुम ठीक कह रही हो। 1849 में जब बरतानवी तसल्लुत के बाद इसका मसरफ बदल गया तो ये अमारत दरिया से गुजरने वाली कश्तियों के लिए एक टूल हाउस का काम देने लगी, यानी कि ये एक टूल हाउस के तौर पे इस्तेमाल करने लगी। कमाल है, इन सब को इसकी खूबसूरती नजर ना आई। एक मजे की बात, जब रावी पे से गुजरने के लिए कश्तियों का पुल था तो अंग्रेज सरकार ने इसकी कीमत यानी कि इसकी फीस 1 रुपया मुकरर कर दी थी और उस इमारत का दफ्तर भी इधर ही था। हद हो गई बेअदबी की, एक ऐसी अजीम इमारत और पुल कश्तियों का, फीस वो भी 1 पैसा, ऐसी गुस्ताखी हम ना बर्दाश्त करेंगे। जी तो चाहता है इनको तख्तेदार पे लटकवा दो। जिल्ले इलाही, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? इजाजत है। ये सब माजी की बातें हैं, अगर आपकी शहनशाहियत दिमाग से उतर गई हो तो मैं इस आशी से थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ले ले। हाँ तो मैं ये बता रही थी, 1915 में एक नया पुल बनाया गया और चौकी को ख़त्म कर दिया गया था और ये इमारत महकमा औकाफ के हवाले कर दी गई और इसकी तामीर नौ 1979 में हुई और इसकी लागत जो आई वो तकरीबन 19.6 मिलियन थी। काश मैं भी एक ऐसा बाग बनवा। वैसे तो किसी ज़माने में लाहौर भी बागात का शहर कहलाता था, उस वक़्त के उम्रा और रूसा के लिए बागात स्टेटस सिंबल के तौर पर इस्तेमाल होते थे। उस वक़्त शहर के इर्द गिर्द बहुत से बागात थे जो वक्त के साथ साथ ख़त्म होते गए। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे, कौन क्या खा गया? तुम्हें नहीं समझ आएगी, तुम अपने बिस्किट खाने पे फोकस करो, मेरा तो वैसे ही यहाँ पे आके बादशाह बनने को दिल मचल रहा है। वो तो तुम वैसे भी हो किंग ऑफ नो लैंड, बिना मुमलिकत के बादशाह। कम से कम तुमसे तो अच्छा हूँ, तुम तो रहती ही फिल्मी दुनिया में हो। वैसे जरा सोचो, जस्ट इमेजिन, ये बारादरी इस वक्त जैसे भी हाल में है, लोगों के लिए तफरी का मरकज तो है लेकिन कमी है तो सिर्फ इंतजाम की। वैसे आयजा ख्याली ही सही पर ठीक बात कर रही है, इस जगह अगर मुनासिब इकदाम किए जाएं तो ये जगह अभी भी कम नहीं। बेशक वक्त के शिकस्त रखत ने के साथ साथ इसका ये हाल हो गया। हाँ यार, वक्त की शिकस्त रिक्त का शिकार मैं भी होने लगा। क्या मतलब? उफ, मेरे पास भी लेडीज पर्स होता तो मैं भी अभी अभी फ्रेश होता। अरे भाई, भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। अरे हाँ, काफी देर हो गई है, अब वापस चलते हैं और जुबैर तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम अब वापसी पर होगा। शाही सवारी तैयार की जाए, हम यहाँ से कूच करना चाहते हैं। पहले वाले महमार के तो हमने हाथ कटवा दिए, तो अब वो इस तखमीर की नो कैसे करेगा? नए टेंडर खुलवाए जाए पहले वाले महमार को तो पहले हद बे क्या है? ठीक कहा सुनैरा, बस यही एक इमारत बची है। सर वो बिस्किट आ जाए फिर खा के बताती हूँ। तो मैं भी फ्रेश, अभी अभी फ्रेश। मैं देख रहा हूँ तुम। अगर वक्त अगर मुनासिब इकदाम किए जाएं तो ये जगह नहीं, गलत हो गया।
अगर आपको हमारी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई और आप मजीद हमारी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहें तो हमारा पेज लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें।